2021 में रिलीज हुई कागज फिल्म जैसा वाक्या रियल लाइफ में भी यूपी के लखीमपुर खीरी में देखने को मिला। कागज फिल्म में अभिनेता पंकज त्रिपाठी को सरकारी कागजों में मृत घोषित कर दिया जाता है और अपने आप को वह जिंदा साबित करने के लिए सारे जतन कर डालता है। ठीक ऐसा ही एक मामला लखीमपुर खीरी जिले की मोहम्मदी तहसील के बाजार खुर्द मोहल्ला निवासी 58 वर्षीय महेंद्र पुत्र नत्थूलाल के साथ देखने को मिला। दरअसल जमीन के लालच में विपक्षियों ने सांठगांठ कर सरकारी कागज में महेंद्र को मृत घोषित करवा दिया, जिसके बाद यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। इस मामले में पीड़ित महेंद्र ने आई इंडिया को बताया कि उनकी करोड़ों रुपए की जमीन पूर्व चेयरमैन संदीप मेहरोत्रा, सभासद रूबी मंसूरी, दीपक रामोतार, बबलू रामसरन, सुशीला राजेंद्र, पप्पू रविंदर आदि हड़पना चाह रहे हैं। पीड़ित महेंद्र ने आरोप लगाया कि पूर्व चेयरमैन संदीप मेहरोत्रा ने लेखपाल से सांठगांठ कर मुझे सरकारी कागजों में मृत घोषित करवा दिया। इसके साथ ही स्थानीय पुलिस द्वारा कई बार जमीन बेचने का दबाव भी मुझ पर बनाया गया। विपक्षी मेरी जमीन पर कब्जा कर चुके हैं और मुझे मृत घोषित कर जमीन बेचना चाह रहे हैं। महेंद्र ने पुलिस पर आरोप लगाया कि मोहम्मदी पुलिस से कई बार लिखित शिकायत करने के बावजूद FIR तक नहीं दर्ज की गई। न्यायालय CJM के यहाँ 156(3) के तहत अपील दर्ज करने पर न्यायालय द्वारा FIR दर्ज करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए, लेकिन अब तक पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। इस मामले में जब पूर्व चेयरमैन संदीप मेहरोत्रा से बात की गई तो उन्होंने आरोपों को सिरे से नकार दिया और कहा कि यह जांच का विषय है और इस पर पुलिस एवं हमारी ओर से पूरे मामले की जाँच की जा रही है। फिलहाल उन्होंने मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इस मामले में पीड़ित महेंद्र ने मीडिया को क्या जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। विजय हैं, आशित कटियार हैं, दयाराम हैं, रामावतार हैं, जहीं सब लोग कब्जा मिलकर इन्हें करो है, अब लेखपाल ने करवाओ है। पुलिस लेके आए संगम, जी हाँ, मृत दिखाई दिया, दूसरे गुंडे भी चल रहे उधर। हमें 5/12/2014 से दुखी करो जाए रो है हमें, जबकि ना मेरा कोई दौआ है ना मेरा कोई चाचा है। कोर्ट कोई डिसीजन नहीं ले रहे, मेरे GM साहब के आज भी मुकदमा चल रहा, हमने मुकदमा किया, जवाब आज भी नहीं मिला। एक मुकदमा किया मुनसब के यहाँ, तब मेरे 4 घाटा के 3 घाटा रख के खारिज कर दिए गए। यहाँ से दिया है ना, हाँ। मोहम्मदी से कोई याद है सभी नहीं जी, नहीं हाँ सब मिली गोटी चल रही कि मोटी रकम की जायदाद है हमारी, जमीन है ढेर, आज जो 4 घाटा बनवाए 4 दिखाई रहे हैं, बहुत सब हड़प ले रहे हैं घर जी। मोहम्मदी के चेयरमैन है, हमारे घर आए, हमने भैया और हमने मना कि संदीप मेहरोत्रा, तो मेरे भैया ने हमने कह दिया कि मेरे घर मत आना। जय अपना आए, एक रजनी सहनी है मेंबर भैया आए, आए के कागज देखे, अब चेयरमैन साहब ने कहा कि इन्हों बेची तुम्हों बेचो। चेयरमैन साहब ने अपने आदमी लगाए के कटियार और दीक्षित को बीवी के नाम बैनामा करवाई लो, उसके बाद अब भगाए हम लोग जा रहे हैं। अब हम जो चाहते हैं हमारा जो हक हो सो हम 35 आदमी हैं, अपने बाप दादे हम लोगों ने हमारा हक दे दिया जाए, हमें मरम चल रहे घोषित, समय जिंदा हैं, सबको सब जानते हैं, हाँ लेकिन सुना ही कहो सब तो वहीं एक राय। मेरे पास एक नहीं दसन बीसन मैसेज हैं, लखनऊ तो 76 के हैं मेरे पास सबूत, दिल्ली भेजी हमने अप्लीकेशन नगर पालिका जिंदा मैंने तैयार, हाँ। पीड़ित महेंद्र के वकील धर्मेंद्र शुक्ला ने मीडिया को क्या जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। तो राजू ये पुत्रगण लाल बिहारी ही हैं, दीपू पुत्रगण श्याम बिहारी, दिनेश पुत्र श्याम बिहारी, दयाराम पुत्रगण स्वर्गीय रामदयाल, मेवाराम और संदीप मेहरोत्रा और कन्हैया इन नगर पालिका परिषद के चेयरमैन हैं वहाँ के, रूबी मंसूरी वार्ड मेंबर हैं और दीपक वर्मा वहाँ के लेखपाल हैं। इन सब लोगों ने इनकी जो जमीन है उस जमीन पे इनको मृत दिखा करके कब्जा कर लिया और जमीन को बेचने के फिराक में थे। जब इन्हें महेंद्र को इस चीज़ की जानकारी हुई तो उन्होंने संबंधित पुलिस स्टेशन में अपने प्रार्थना पत्र दिए, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई। फिर उन्होंने पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रार्थना पत्र भेजे, नहीं दर्ज की गई। मेरे पास आए तो मैंने उन्हीं प्रार्थना पत्रों को आधार पर 156(3) CRPC के तहत, क्योंकि इससे सरकारी कर्मचारी भी इन्वॉल्व था, उसको न्यायालय श्रीमान CJM के यहाँ ही दायर किया जा सकता था। न्यायालय के यहाँ दायर किया गया, मुकदमा सबमिट करने के बाद संबंधित कोर्ट ने संबंधित थाना
से आख्या तलब की यह प्रोसीडिंग है कि कहीं ऐसा तो नहीं पहले से मुकदमा पंजीकृत हो, वहाँ से आख्या है कि मुकदमा पंजीकृत नहीं है। न्यायालय ने न्यायपूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए 17 अप्रैल 2023 को 156 दिन का मुकदमा पंजीकृत करने के लिए संबंधित पुलिस इंस्पेक्टर मोहम्मदी को निर्देशित किया और ये कहा कि 48 घंटे के अंदर आप मुकदमा पंजीकृत करके न्यायालय को अवगत करें, परंतु अभी तक इनका मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है, ये मेरे संज्ञान में आ गया। अब इसके लिए मैं न्यायालय में एक अप्लीकेशन दूंगा कि आपके आदेश की कंप्लाइंस नहीं हुई है, जो न्यायालय उचित समझेगा वो आदेश पारित करेगा, क्योंकि न्याय की प्रक्रिया जो है न्यायालय की वो न्यायपूर्ण रहती है और अभी तक जो भी प्रक्रिया न्यायालय की चली है वो न्यायपूर्ण ही चली है, न्यायालय पर भरोसा है। लखीमपुर खीरी से आई इंडिया के लिए श्याम जी अग्निहोत्री की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।